अर्धगोला उसकी उम्र क्या है? समगोला। अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसमें लिखा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। अब इस पूछ से पूरे ठोस का आयतन पूछ रहा है, पाई के पढ़ना है ठोस का आयतन। तो लिखेंगे ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। इस ठोस का पूरे का आयतन अर्धगोले के आयतन में शंकु का आयतन जोड़ देंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन अब पूछ रहा आयतन, तो दोनों का आयतन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² है। इसमें से पाई r² कॉमन ले सकते हो, यहां बचेगा 2/3 r और 1/3 h। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। पाई r² दोनों में से कॉमन लिया ना, 2/3 बचेगा r, यहां 1/3 क्या बचेगा? h। पाई के पदों में ही आंसर पूछ रहा है, तो इसमें पाई भी रखेंगे हम। r का मान कितना है हमारा? 3। 2/3 r का मान 3, 1/3 h का मान की 3 से 3 पाई 3 × 3 = 9, 2 + 1 पाई तो ये हो गया 9 × 3 कितना आएगा? 27 पाई घन सेंटीमीटर। ये ठोस का आयतन हो जाएगा पूरे का पाई के पदों में। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों आयतन हम जोड़ देंगे। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। इसमें पाई r² दोनों में से कॉमन लिया जाए 2/3 r हो जाए 1/3 h। r और h दोनों का मान कितना हमारे पास? 3। यहां r की जगह 3 रखा है, h की जगह 3, 2 + 1 = 9, 27 पाई घन सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। अब दूसरा जो प्रश्न है, एक छात्र ने इस प्रकार का एक मॉडल तैयार किया कि बीच में तो है बेलन और उसके दोनों सिरों पर है शंकु, एक जैसे शंकु लगाएंगे दो, और इस पूरे मॉडल की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या है 1.5, तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही इसकी होगी बेलन की, क्योंकि उसी के बराबर में लगा हुआ है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2। ये ऊंचाई कितनी है? 2। ये 2 और ये 2 4, पूरी लंबाई 12 में से हम 4 माइनस कर दें तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई होगी 8 आएगी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आएगी? 8। अब इस पूरे ठोस का आयतन पूछ रहा है, हवा का आयतन क्या होगा? कुल ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन 2 × शंकु का आयतन। बेलन के आयतन में दोनों शंकुओं का आयतन हम प्लस कर देंगे, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, यहां बचेगा एच, यहां बचेगा 2/3 h। अब देखो एच दोनों में हम कॉमन नहीं लिया, क्यों लिया? क्योंकि एच दोनों की अलग अलग है, तो इसको तो एच हम मान लो और इसे मान लो एच, एच कॉमन नहीं लिया हमने। अगर एच सेम होती तो हम कॉमन ले सकते थे। अब एक एच1 मान लो और एक H2, तो जल्दी लो H1 तो बेलन की है,
8 सेंटीमीटर, एच टू शंकु की है 2 सेंटीमीटर। अब पाई में रखा, इसको मान को पाई में रखिए, आर दोनों की सेम है, आर की जगह रखेंगे 1.5 का स्क्वायर, एच वन बेलन की एच है हमारी 8 और शंकु की एच है 2, पाई गुणा 2.25 इसका मल्टीप्लाई 8 + 4/3, इसको हल कर देंगे तो 2.25 पाई 3 + 24 = 28/3, 3 से कट ही जाएगा ये, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने घन मीटर इसमें हवा का आयतन आएगा, ठीक है, बंद करो। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से ऊंचाई की, उससे तो ये अंतर आएगा। अब जैसे त्रिज्या और ऊंचाई दोनों अगर एक रखे हैं, क्या रहता है, दोनों एक ही होंगी, तो कुल ठोस का आयतन होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 आई आर की, शंकु का आयतन 1/3 एच, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 2/3 आर और 1/3 एच, पाई आर का मान 1 देख रखेंगे, 2/3 यहां भी आर का मान 1, 1/3 1, पाई 1 3 एलसीएम ले लो, ऊपर 2 + 1 पाई गुणा 3/3, तो पाई घन सेंटीमीटर, पाई घन सेंटीमीटर इस ठोस का आयतन आ जाएगा। अब मैंने ये तो 3 से कर लो, एक से भी कर लो, दोनों तरह से कर लो,